हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट स्टडी इंडिया। आज का ये जो वीडियो है ये हम फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कशन है। इसमें हम फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हमें इस सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मुझे ये उम्मीद है कि अब तो आपको ये पता ही है कि आपका पेपर पैटर्न क्या है, कैसे आपका पेपर आना है। तो आपका पेपर पैटर्न जो है वो आपको 75 मार्क्स आपको मिलने हैं थ्योरी पेपर से जो आप एग्ज़ाम दोगे, और 25 मिलने हैं आपको प्रैक्टिकल से। ठीक है, तो आपका जो मार्किंग स्कीम है वो दो पार्ट में डिवाइड है, 25 and 75 फॉर योर थ्योरी एग्जाम एंड 25 फॉर योर इंटरनल प्रैक्टिकल वॉट एवर योर यूनिवर्सिटी और योर कॉलेज वॉन्ट्स फ्रॉम यू। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी कॉलेज आपसे चाहेगी वो 25 नंबर वो आपको उससे देगी, और 75 नंबर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, थ्योरी एग्जाम उससे मिलने वाला है। जो आपका सेमेस्टर फोर्थ है उस कोर्स को क्या नाम दिया गया है, उस कोर्स का नाम या टाइटल क्या है, जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कॉम्प्यूटेशनल बायोलॉजी। मतलब जीन टेक्नोलॉजी, जीन लेवल पे जा करके हमें बहुत ढेर सारी टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना है, और यूज़ करके उस जीन में जो चेंज हम चाहेंगे, या हम हाइब्रिड बनाना चाहें, या उनको कोई डिजीज़ है तो उसको पता लगाना चाहें, या उस डिजीज़ को ठीक करना चाहें, या क्लोनिंग करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, वो हम इस सेमेस्टर के सिलेबस में सीखेंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कैसे होती हैं, कैसे हम क्लोनिंग कर पाते हैं, कैसे हम रिकॉम्बिनेंट तैयार कर पाते हैं। अगर रिकॉम्बिनेंट तैयार कर ले रहे तो उसको पहचानते कैसे हैं कि कौन सा, लाइक रिकॉम्बिनेंट करने के बाद आपका जब सेल, मतलब कल्चर जो आपका, जो भी आपने किया है वो जब ग्रो करेगा तो आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा मेरा रिकॉम्बिनेंट सेल है, कौन सा ओरिजिनल टाइप का सेल है, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि हमने इतना मेहनत करा है एक रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए, तो हम तो वही चाहेंगे ना कि हमें वो रिकॉम्बिनेंट मिले, तो उसको पहचानेंगे कैसे ये भी हम इसमें देखेंगे, और ये रिकॉम्बिनेंट की पूरी प्रोसेस करेंगे कैसे ये भी हम इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो जीन टेक्नोलॉजी में ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर आपका आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी दो वर्ड इसमें भी है, इम्यूनलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, इम्यून का हो गया इम्यूनिटी सिस्टम। आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में जो पढ़ते हैं, जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जो ब्रांच ऑफ जूलॉजी हमें ये चीज पढ़ाता है, उसी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। तो हम ये भी देखेंगे कि कैसे हमारी इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है, कैसे जब कोई पैथोजन हमें अफेक्ट करता है, कोई भी बीमारी होने वाली रहती है, तो कैसे हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है, उससे लड़ करके हमें बचाता है। उसके बाद कॉम्प्यूटेशनल बायोलॉजी, कॉम्प्यूटेशनल बायोलॉजी एनईपी ने आपके सिलेबस में ऐड कर दिया है नया। क्यों? क्योंकि एनईपी नहीं चाहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पे काम करो, आपको सिर्फ कंटेंट की नॉलेज हो, आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मान लो कि आपने रिकॉम्बिनेंट बनाया तो आपको उसको कंप्यूट करना आना चाहिए ना, कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने आना चाहिए, थोड़ी सी वो नॉलेज भी होनी चाहिए जिससे आपका एरिया जो है वो और वास्ट हो जाए और बड़ा हो जाए, आपकी समझदारी और बढ़ जाए। तो ये तीन चीज़ आपको पढ़नी है, जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कॉम्प्यूटेशनल बायोलॉजी। और आपको पता ही है कि आपको करना क्या है, 25 नंबर आपको अपने इंटरनल से लेने हैं और 75 नंबर मिलेंगे आपको आपके थ्योरी पे जैसा आप करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये भी पता है पिछली बार की तरह ही, जैसे आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, सेम उसी तरीके से इस सेमेस्टर में भी आपको टोटल 8 यूनिट पढ़नी है। क्या करना है, टोटल आपको 8 यूनिट पढ़ना है, जिसमें जो आपकी सबसे पहली यूनिट है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ जीन मैन्यूपुलेशन। जीन को मैन्यूपुलेट करने के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, कैसे हम कर सकते हैं,
उसमें आपको पढ़ना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर आपको एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो उसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजीज को यूज करोगे, कौन कौन से मेथड्स को यूज करोगे, कैसे करोगे, वो आप इसमें पढ़ोगे। फिर मैंने जैसा आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सिर्फ रिकॉम्बिनेंट तैयार कर लेना ही बड़ी बात नहीं है, उसका सेलेक्शन करना भी हमें आना चाहिए, उसको पहचानने भी हमको आना चाहिए कि हाँ ये कल्चर मीडिया दिख रहा है, एक कल्चर मीडिया दिख रहा है, इसमें ढेर सारी सेल्स हैं, तो इसमें से कौन सी मेरी रिकॉम्बिनेंट सेल्स है और कौन सी मेरे काम की नहीं है। तो आपको सेलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स भी आना चाहिए, तो इसीलिए आपको वो भी पढ़ना है। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, उन एंजाइम्स जो डीएनए को मॉडिफाई कर रही हैं। क्लोनिंग वैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, वैक्टर्स का मतलब क्या होता है, वैक्टर्स को एक तरीके से हम कहते हैं वाहक। क्या कहते हैं? वाहक, मतलब जो किसी चीज को एक जगह से कैरी करके दूसरे जगह तक ले करके जाते हैं। तो क्लोनिंग वैक्टर्स, कौन से ऐसे वैक्टर्स हैं जो क्लोनिंग में हेल्प करेंगे, जो एक सेल से दूसरे सेल तक चीज़ों को लेकर के जाएंगे। और फिर लाइगेशन, लाइगेशन मतलब जोड़ना, चिपका देना वापस से, भाई एक कट करके दूसरे में जा रहा है, दूसरे में घुस रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से चिपकने तो चाहिए ना, वहाँ से कुछ कट होगा उसकी जगह पे वो जाएगा, फिर वो उससे ज्वाइंट होना चाहिए, तो लाइगेशन भी आना चाहिए। फिर जीन ट्रांसफर टेक्निक और जीन थेरेपी, कैसे जीन्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, और जीन थेरेपी जो है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये तो बात हो गई बनाने की, कि हम रिकॉम्बिनेंट बना रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं, उसमें जो जो चीज़ें ज़रूरत हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। कर क्यों रहे हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग, कर क्यों रहे हैं हम जीन मैनिपुलेशन, उसका कुछ तो यूज होगा, कुछ तो एप्लीकेशन होगा। तो हाँ है, उसका बहुत एप्लीकेशन है, तो उसका क्या एप्लीकेशन है वो आप पढ़ोगे यूनिट सेकेंड में, कि एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन है। जैसे सिंगल सेल प्रोटीन्स, सिंगल सेल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन, बायोसेंसर, बायोचिप्स, क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट। क्रॉप्स के इम्प्रूवमेंट में हम कभी चाहते हैं ना कि हमें इम्प्रूव्ड वैरायटी, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के, आजकल हम देखते हैं ना कि ये बड़े बड़े आम आ रहे हैं, ये बड़े बड़े पपीते आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनको हाइब्रिड टेक्निक से तैयार किया जा रहा है। मान लो आपके पास दो आम है, एक आम ऐसा है जो बहुत मीठा है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है यार, उसमें बीज जो है ना वो बहुत बड़े बड़े हैं, जिसकी वजह से हमें पल्प ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, बीज बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं जिसकी वजह से हमें पल्प बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरे साइड एक आम है, उसका टेस्ट कुछ उतना खास नहीं है, लेकिन हाँ उसमें पल्प बहुत ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि उसकी बीज बहुत छोटी छोटी हैं। अब हमारे दिमाग में आया, यार काश ऐसा आम मिल जाता हमें जो मीठा भी रहता, टेस्ट भी अच्छा रहता, और उसमें पल्प भी ज़्यादा रहता ताकि बीज भी छोटे रहें। तो ये तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये काम कर सकते हैं, दोनों जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, जीन को ट्रांसफ़र करके, इधर उधर कर करके हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसा एक प्लांट या वैसा एक फ्रूट, जो भी हम चाहते हैं, एनिमल्स में चाहते हैं तो एनिमल्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट क्रॉप और लाइफ स्टॉक के इम्प्रूवमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक के डेवलपमेंट में हम इसको, इसका एप्लीकेशन है। और डेवलपमेंट ऑफ डीएनए ड्रग्स एंड वैक्सीन, वैक्सीन्स वगैरह बनाने में, डीएनए ड्रग्स बनाने में भी इसका यूज होता है। वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन कैसे बनी, हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पता था तभी तो हम बनाए, तभी तो हम उसकी जीन जेनेटिक उसको समझ पाए, तभी तो उस हिसाब से हम मेडिसिन बना पाए। तो ये सारे इसकी एप्लीकेशन है। तो बेसिकली फर्स्ट यूनिट में आपको सारे प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने हैं, जब आप उस चीज़ से अवेयर हो जाओगे तो फिर आप उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ोगे कि हाँ क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे डीएनए डायग्नोस्टिक,
अब भाई आपको एप्लीकेशन पता हो गया, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स पता हो गए हैं कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, अब आपके दिमाग में एक मैप सेट हो गया है कि हाँ ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इससे ये कर सकते हैं, ऐसे ऐसे होता है। उसके बाद अब आप डायग्नोस्ट करना स्टार्ट करोगे। जब आपको जीन लेवल पे नॉलेज हो गया तो जीन लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी तो अब आप डायग्नोस कर सकते हो ना। तो अब वही करना है, जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज जो जेनेटिक डिजीज होती हैं उनको एनालाइज कर सकोगे आप। अब उनको इसमें आपको एनालाइज करना है, पता लगाना है कि हाँ जेनेटिक लेवल पे जो डिजीज हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, कौन से जीन्स की वजह से हैं। डिटेक्शन ऑफ नोन एंड अननोन म्यूटेशंस, जो जेनेटिक लेवल पे डिजीज हो रही है वो म्यूटेशंस की वजह से हो रही है। तो आपको ये भी पता करने अब आ जाएगा कि वो जो म्यूटेशन है वो कौन सा म्यूटेशन है, नोन म्यूटेशन है या अननोन म्यूटेशन है। मतलब जो म्यूटाजेंस, म्यूटाजेंस क्या होते हैं, जो म्यूटेशन म्यूटेशन कॉज करते हैं वो कैसे हैं, कैसे एजेंट्स हैं, नोन है कि अननोन है, उस तरीके से भी आप इसको जान सकते हो। फिर आता है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोजेनोमिक्स एंड फार्माकोजेनेटिक्स। ठीक है, फार्माकोजेनोमिक्स और फार्माकोजेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में भी आप इस यूनिट में पढ़ोगे। तो आपकी ये जो पहली तीन यूनिट है, ये पहली तीन यूनिट आपकी जीन टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। उसके बाद की जो तीन यूनिट रहेगी वो आपकी रहेगी इम्यूनोलॉजी की। ठीक है, सॉरी, उसके बाद इम्यूनोलॉजी की एक यूनिट, फिर बायोस्टैट पढ़ना है आपको, बायोस्टैट भी इसमें पढ़ना है। ये मत सोचो कि मैम बायो ले लिया तो मैथ से पीछे छूट गया, ये सब छलावा है, कुछ नहीं होता है ऐसा। बायो में आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना ही पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री में, उसके बाद आपको बायोस्टैट मतलब मैथ्स भी पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपको बेसिकली पढ़ना सब कुछ पड़ता है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो। ठीक है, फोर्थ यूनिट है इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। अब हम अपने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। भाई हमें हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए ना, तभी तो हम अपनी इम्यूनिटी को उस तरीके से अच्छा रख सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं और इन्हेंस कर सकते हैं। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी को लेकर के हमारी मतलब पुरानी जो अवधारणाएं रह चुकी हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है इम्यूनोलॉजी को लेकर के, वो जानेंगे पहले। भाई पहले स्टार्टिंग जानेंगे तभी तो आगे समझ पाएंगे, तो इसीलिए ये आपके सिलेबस में रखा गया है। फिर है इननेट एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी। इननेट का मतलब होता है इननेट, अंदर भरा हुआ है, इनबॉर्न बाय बॉर्न, जब आप जन्म लिए तो आपके अंदर जो इम्यूनिटी है वो इननेट इम्यूनिटी हो गई। अडैप्टिव मतलब हमने अडॉप्ट किया है, कुछ चीजों को हम अडॉप्ट करते हैं अपने जन्म के बाद, जैसा डिमांड होता है उसके हिसाब से चीजों को अडॉप्ट करते हैं। तो इननेट और अडॉप्टिव इम्यूनिटी के बारे में भी देखेंगे। क्लोनल सेलेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, IgG, IgM, तो हर सबका अलग अलग स्ट्रक्चर, उसका अलग अलग क्लास और उसका क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें भी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, हाइपोसेंसिटिविटी। किसके बारे में, हाइपोसेंसिटिविटी। आफ्टर दैट ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर इस यूनिट में सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा HLA कॉम्प्लेक्स, HLA कॉम्प्लेक्स के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्लास वन और क्लास सेकेंड HLA मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर आ जाती है बात बायोस्टैट की। तो बायोस्टैट में तो सबसे ज़्यादा आपको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम हाई स्टैंडर्ड की चीज़ें पढ़ेंगे, बाकी आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो वही रहेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीन को कैलकुलेट करना जानेंगे, मीडियन को, मोड को, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, स्क्विनेस, कोर्टोसिस, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एप्लीकेशन। प्रोबेबिलिटी के भी एलिमेंट्री आइडियाज को देखेंगे और क्या क्या उसके एप्लीकेशंस हैं ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, फिर आती है आपकी नेक्स्ट यूनिट बायोस्टैटिक्स सेकंड। इसमें क्या है,
हम डाटा निकालना सीख लिए हैं, लेकिन आप डाटा को समराइज करना सीखेंगे। उसको समराइज कैसे करना है, डाटा समराइजिंग देखेंगे, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मेथड से, या पाई डायग्राम से, या हिस्टोग्राम से, इन सारे मेथड से हम डाटा को समराइज करना सीखेंगे। फिर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस भी पढ़ना है, जिसमें वन एंड टू सैम्पल टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद बात आ जाती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आपको जो भी बेसिक्स हैं कंप्यूटर के वो पढ़ने हैं, बेसिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। फिर होम पेज, वेबसाइट, www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, URLs और जो भी सर्च इंजन्स हैं, इन सब का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी हम पढ़ेंगे। मतलब होम पेज, वेबसाइट्स, www, URL, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आती है बात लास्ट यूनिट की, जो है आपकी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या पढ़ना है आपको, डाटाबेसिस, न्यूक्लिक एसिड्स के जीनोम्स, प्रोटीन सिक्वेंसेस एंड स्ट्रक्चर एंड बिब्लियोग्राफी। फिर सिक्वेंस एनालिसिस, होमोलॉजी, पेयर वाइज एंड मल्टीपल सिक्वेंस अलाइनमेंट, ब्लास्ट और क्लस्टर लॉ भी पढ़ना है। फिर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस पढ़नी है। ठीक है, तो ये रही आपकी पूरी 8वीं यूनिट, बहुत ही ब्रीफ मैनर में, बहुत ही नटशेल में, कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इससे आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे कि यार मुझे ये सारी चीज़ें पढ़नी है इस सेमेस्टर में। ठीक है, तो आप चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।